बढ़ती दिक्कतों के साथ यूं ही लाइफ आगे बढ़ती जाती है, काम तो रुकेगा नहीं। हर किसी का, हर फैमिली में, हर घर में ये चीज होती होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हेलो, गुड इवनिंग बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और शाम के बज रहे हैं 6:30 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो एग्जैक्टली 6:22 PM हो रहा है, 6:22 हो रहे हैं शाम के। और मैंने सोचा कि जो ट्यूसडे व्लॉग है हमारा जाएगा, उसकी स्टार्टिंग कर ली जाए, मतलब ट्यूसडे का व्लॉग जो वेंसडे को जाएगा, सॉरी, तो मैंने सोचा उसकी स्टार्टिंग कर ली जाए और आप लोगों का वेलकम कर लिया जाए। अभी मैंने एक व्लॉग फिनिश किया है और उसको एडिटिंग वगैरह मैं करने जा रही हूँ थोड़ी देर में, और डिनर मैंने रात का प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। मंडे शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये ट्यूसडे शाम तक कंटिन्यूड रहेगा। तो वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल, और हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल वरकम, उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं ये सामने से भूल कैसे जाती हूँ, कभी कभी याद रहता है मुझे, फिर कभी कभी भूल जाती हूँ। चलो बस से स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, किन छोके में ना शोर, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। डिनर मेन्यू है पालक पनीर, तो मैंने पालक बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप देख पा रहे थे कुकर इतना भरा हुआ था, ये 5 लीटर का कुकर है गाइस, लेकिन क्या होता है ना, पालक श्रिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो इतना ढेर सारा आपको दिख रहा है लेकिन श्रिंक होकर वो इतना आजा हो जाएगा, तो उसको मैंने विसल के लिए दे दिया, तो एक विसल में वो पक जाएगा ऑलमोस्ट। और उसके साथ मैंने सोया भी डाल दिया है ताकि जो फ्लेवर है ना थोड़ा और अच्छा हो जाएगा पालक पनीर का। जो अभी तक नीचे नहीं गए हैं उनको थोड़ी देर नीचे भेजती हूँ मैं, क्योंकि पनीर नहीं है, तो पालक पनीर का पनीर ना होगा तो कैसे बनेगा पालक पनीर, बताइए ना, बन पाएगा? नहीं ना। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है ना गाइस, ऐसी होती है, लाख आप कोशिश कर लो कि कुछ एडवेंचरस होगा, कुछ डिफरेंट होगा, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, एक रूटीन के साथ चलती है, वही रूटीन आपको आप पूरे हफ्ते फॉलो करते हो, शायद वीकेंड में थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स करते हो, घूमने जाते हो, हम लोग तो काफ़ी वीकेंड से कहीं घूमने भी नहीं जा रहे, हम लोग घर पे ही रहते हैं, तो होपफुली देखते हैं शायद ये वीकेंड हम लोग निकले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है नीलम, मैं बनाती हूँ डेली फन फैमिली एंटरटेनिंग व्लॉग्स, तो अगर आपको इस तरह का कॉन्टेंट पसंद है, आपने ट्यून कर दिया है बिल्कुल करेक्ट चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और आपकी लाइफ में यूँ ही ज़बरदस्त मस्ती छा जाएगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, तो सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं आपको बता दूं, मैं ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक व्लॉग्स बनाती हूं, पोस्ट करती हूं, और मेरी व्लॉग्स की टाइम, पोस्ट करने की टाइमिंग है 1 PM IST, वो दोपहर के 1 बजे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से वो पोस्ट होता है। और सैटरडे को आता है नया सेगमेंट जो है चाय के साथ मन की बात, जिसमें हम बात करते हैं कुछ भी टॉपिक को लेकर रैंडमली, लाइफ से रिलेटेड, तो उसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एयर हो चुका है, मैं पोस्ट कर चुकी हूँ लास्ट सैटरडे को, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कार्ड बटन में भी डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यस, माता रानी की घंटी टिंग टिंग टिंग, उसे ज़रूर क्लिक करिए और हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम तक आती रहेंगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। ठंड मौसम है आज,
से ठंडू है घर। खिड़की से ठंडू हवा आ रही है। अपनी खिड़की है ही कितनी बड़ी की हवा आएगी। आपको पता है कल, आपको पता है कल बहुत बदरुख था, एकदम बादल बादल थे। हम छत पे गए थे तो बदरुख था, सूरज भगवान बादल में छुपे हुए थे। क्या हुआ? नीचे आ गए, विटामिन डी नहीं लूट पाए। जो लूटने गए थे वो लूट ही नहीं पाए। So, good afternoon, Bindas Wild Fam. ये ब्लॉग कल शाम से शुरू हुआ था, जो था मंडे की शाम, ये जो थी मंडे की शाम। और अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के, एग्जैक्टली बोलूँ तो 3:36 हो रहे हैं एग्जैक्टली। और आज है मंगलवार का दिन, पहला ब्लॉग जो है इस हफ्ते का पब्लिश हो चुका है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही फन और एंटरटेनिंग ब्लॉग था, मज़ा आया उसको एडिटिंग करते वक्त भी बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। जो मेरी, अगर मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है ना और हंसी आ जाती है किसी चीज़ को देख के, तब मुझे समझ में आ जाता है एज एन ऑडियंस कि मुझे पसंद आ रही है कोई चीज़, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो फिलहाल सभी लोग अपने कामों में बिजी हैं, जैसा आपको पता है वीकडेज होते हैं सुपर डुपर से भी ऊपर वाला बिजी। डोर पे कोई है सॉरी, तो पैर में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं तेल लगा के थोड़ा आराम करेंगे हम, तो आई थिंक शाम तक आई फील बेटर। उसके बावजूद भी काम तो चलने हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतों के साथ यूं ही लाइफ आगे बढ़ती जाती है, काम तो रुकेगा नहीं है ना। अभी फ़िलहाल कुछ भी लंच वंच का रूटीन नहीं हुआ है, अभी जी ने भी कुछ नहीं खाया है, उनका भी अभी कुछ मन नहीं है खाने के लिए। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि जब तक काम हो सकते हैं काम कर लिए जाए, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि पनीर सैंडविचेस बना देती हूँ मैं फिर से, क्योंकि वो खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होना है, तो इन्जॉय करके खा लेते हैं। अभी अगर मैं पूछूँगी ना चीज़ पास्ता खाओगे, तो देखो कैसे फटाक से आंसर निकलते हैं। देखिए मैं पूछती हूँ, मैं बताती हूँ आपको लाइव डेमो दूँ, लाइव डेमो। सोना चीज़ पास्ता खाओगे? फेल हो गया लाइव डेमो हो रहा। अच्छा बोलो, हर बार हाँ बोलते हैं कि आज ही इनकम हो रहा था ना बोलने का। अभी हम लोग बैठ के मटर छील रहे थे, बीमारी स्टार्ट हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि अमेजोन फ्रेश से हम लोग ने मटर मंगाए थे, ठीक है। तो मटर आया था रात में 11:30 बजे के आसपास, संडे को रात में आया था। तो हम लोग ने सैनिटाइज करके वही लिविंग एरिया में लगा दिया था, लेकिन कुछ कुछ में आज हम लोगों ने सोचा कि छील लेते हैं। मैंने सोचा कि टाइम हो जाता है ना, स्टोर करके रख लो ज़्यादा ईजी रहता है, ऐसे फैला रहता है। पर एक जो पैक था उसके अंदर पूरा पानी आ गया था, पूरा अच्छा खासा पानी आ गया था, तो वो 500 ग्राम का वेस्ट हो गया हम लोगों का। लेकिन बाकी जो है हम लोगों ने छील के कंटेनर में रख लिया। रुपये का नुकसान हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, नुकसान तो नुकसान ही है ना, चाहे 10 ही रुपये का हो। 10 रुपये में भी आज की रेट में मैगी और फ्रूटी आते हैं। आपको याद है कि एक फ्रूटी का पैकेट पहले आजकल येलो में आता है, जब मैं छोटे थे ग्रीन कलर का भी आता था, ग्रीन कलर का था, उसमें फ्रूटी आम वाले शेप में बना था और ऑलमोस्ट कॉपी जैसा ही चलता था। जंपिंग जापान भी खूब मैंने किया है। क्या होता था ना, हम लोग कई बार ट्रैवल करते थे छोटे थे, तो कई बार जो बस स्टैंड होते थे, रेलवे स्टेशन होते थे ना, वहाँ पर ना फ्रूटी नहीं होता था लेकिन जंपिंग होता था। और मुझे पता है वो जंपिंग कैसे याद है, और ऐसे ऐसे पिरामिड शेप में बने रहते थे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे ऐसे पिरामिड शेप में जंपिंग बना रहता था, एक 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 एक, मुझे वैसा याद है। आपने देखा वैसा है ना पिरामिड वाला? बड़ा अच्छा लगता था उस समय। अगर ये कैमरा होता ना मेरे पास, कैमरे वाले फ़ोन, तो पक्का रिकॉर्ड किए होते, मेमोरीज होती है।
तो क्या हुआ, हमारे हबी जी जो है गेम खेल रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो मैंने बोला आप गेम खेल रहे हो, आप खेलो यार, आपके ऑफिस की मीटिंग थोड़ी ना चल रही है जो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, गेम ही तो खेल रहे हो। कौन सा गेम खेल रहे थे आप? क्यूडी, कैश ऑन डिलीवरी खेल रहे थे। हल्का सा ठंड, अभी देखो अभी ये पोजीशन पर चल रहा है ना, ये इतना स्लो चल रहा है कि मुझे ठंड गर्मी लग रही है अब, लेकिन जो वो बिल्कुल फास्ट पर चल रहा था उसमें ठंडी लग रही थी हल्की हल्की। हम लोग के बेडरूम का पंखा जो है महाभयाद पंखा है। इनके ना मीडियोक्रेसी वाला कोई चीज नहीं है, 5 पे चलेगा एकदम फुल, 4 पे चलेगा एकदम लुल। अरे ये कितना अच्छा राइम हो गया है ना, 5 पे चलेगा एकदम फुल, 4 पे चलेगा एकदम लुल। माय वे और हाई वे। तो हम कैसे हो किको? रात में क्या बनाऊं? रात में चावल बना दे। उल्लू बना देते बस चावल बना। उल्लू बनाना हर किसी को आता है ना अच्छे से, उसकी रेसिपी भी कुछ नहीं होती है, बस बनाओ अपने आप ही नेचुरल आ जाएगा, नेचुरली आ जाएगा। आप बताइएगा अगर आप इतने फूडी लवर हो, इतने बड़े फूड लवर हो या इतने बड़े फूडी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी ये चीज़ होती है, रोज़ सुबह शाम यही डिस्कशन, खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा। अगर आज का डिस्कशन हो चुका है तो कल का होगा, कल क्या बनाए। पूरे टाइम खाने की चीज़ें चलती रहती हैं, हर चीज़ मतलब फूड इज सच अ बिग पार्ट ऑफ एवरी इवेंट। हर किसी का, हर फैमिली में, हर घर में ये चीज़ होती होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। काम जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, चलिए देख लेते हैं कपड़े सूखे हैं कि नहीं, क्योंकि कपड़े अभी मैंने लगा के यहीं पे रखे हैं, ढेर सारे चादर वगैरह सब हैं उधर, आप देख सकते हैं ये चादर पड़ी है, ये कपड़े हैं और ये कपड़ा नीचे गिर गया था, तो लोग इसे सही कर देते हैं, थोड़ा सूखा है। और मुझे करनी है ये बालकनी क्लीन, सोच रही हूँ आज ही कर देती हूँ। क्या अक्सर क्या कहते हैं, क्योंकि आज काम मुझे कम है, आज डिनर का भी स्यापा नहीं है, तो बना कर देती हूँ। तो डिटर्जेंट हो गया था ख़त्म, तो मैं जा रही हूँ रिफिल करने। ये एरियल का फ्रंट लोड, मैटिक फ्रंट लोड वाला है। पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे एक लिक्विड, ये वाला लिक्विड सेफ वॉश, पर ये ख़त्म हो चुका है। नमक ऐसे दिखाता था उसका, पृथक पृथक हो जाते ज़्यादा घिराव नहीं, जैसे ज़मीन पर थोड़ा चाहिए, तो ज़मीन को लिक्विड वाला यूज़ कर लेंगे ना, फिर खत्म ही हो गया। इधर बिछा दो। क्या खत्म हो गया? ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सोचो तो आज काम करना तो बालकनी भर लो। मैं तो गाइस हो गया है वॉश वगैरह बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो चुका है अच्छा खासा। तो वाटर छील के रखे हुए हैं, इसे मैंने धुल लिया है, क्योंकि जो वाटर थोड़े ख़राब भी मतलब ऊपर से ख़राब हो गए थे, पर नीचे से अंदर से दाने सही थे, तो इसे मैंने धुल लिया है, थोड़ा पानी ड्रेन आउट हो जाए तो इसे स्टोर करके फ्रीज़र में लगा देंगे। जो छोटे मोटे काम हैं वो कुछ भी करिए आते रहते हैं। पंखा तेज़ कर लिया जाए, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी लग रही है। अभी जी भी अपनी जैकेट उतार के बैठे हैं, तो समझ लो गर्मी आ गई। बस ये चुटमुट सा क्यूट सा ब्लॉग है, डेली ब्लॉग, जो हमारी लाइफ का डेली रूटीन होता है वो ऐसा ही होता है, मोनोटोनस होता है, पर वो रूटीन जैसा होता है, उसे एस्केप भी नहीं कर सकते हो। अच्छा मैंने सुना है रामोजी फिल्म सिटी खुल चुकी है 18 फरवरी से, तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, अगर आप लोगों को मन है रामोजी फिल्म सिटी देखने का, जैसे हम लोग इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पर लेकिन कभी नहीं जा पाए, तो इस बार हम लोग सोच तो रहे हैं कि एक ट्रिप मार आते हैं वहाँ पर, देखते हैं। लेकिन हाँ, जस्ट एन अपडेट,
फरवरी 18 से रामोजी फिल्म सिटी ओपन हो रहा है। तो अगर आप लोग अपने लव्ड वंस के साथ घूमना फिरना चाहते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ ज़रूर जाएं, चेकआउट कर लीजिए उनकी वेबसाइट को। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं बता दे रही हूँ। कुछ और काम नहीं करूँगी, बस एडिटिंग पे लगूँगी। और डिनर विनर का बहुत ही सिंपल सा रूटीन है, तो ज़्यादा से आप पे नहीं है उसके लिए। चलिए फिलहाल इसको पूर्ण विराम देते हैं। क्यूट सा सिंपल डेली लाइफ रूटीन अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारी ब्यूटीफुल सी क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर आए। और शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए और हमारी फैमिली यूं ही बढ़ती जाए, हर कोई बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए। कमेंट जरूर करिए अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी में यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, बी एट होम। लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू वेरी वेरी सून।